12वीं तक शिक्षित महिला ने परिचित से बदला लेने के लिए फेसबुक को हथियार बनाने का प्रयास किया। विवाद का कारण लेनदेन सामने आया। 4 माह से परेशान पीड़िता के प्रकरण में राज्य साइबर टीम ने मंगलवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि नगर निवासी पूनम परिवर्तित नाम के करीब 4 माह से फर्जी फेसबुक आईडी पर फोटो अपलोड कर भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। लगातार नई आईडी पर फोटो डालकर उसके पति व रिश्तेदारों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे थे। मामले में सेल ने केस दर्ज कर जांच की। पता चला पूनम को बदनाम करने की साजिश इंदौर रोड स्थित दिनेश पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाली उसकी पूर्व परिचित ही कर रही थी। पुख्ता प्रमाण मिलने पर टीम ने आरोपी सुनीता परिवर्तित नाम को गिरफ्तार कर लेकर मोबाइल जब्त किया और फिर जमानत पर छोड़ दिया। राज्य साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले का खुलासा करने में निरीक्षक नरेंद्र सहित तमाम पुलिस के जवान लगे रहे। उन्होंने कहा कि सुनीता के विरुद्ध साइबर एक्ट की धारा 66C व 66D के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में पुलिस अब जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश करेगी, जहां पर आरोपी सिद्ध होते ही आरोपी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। HMTV लाइव के लिए दुष्यंत वर्मा की रिपोर्ट। पीड़ित महिला करीबन 3-4 महीने से परेशान थी। किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बना गई और उस महिला के ओरिजिनल फ़ोटो उस पर डाल दिए थे और उस पर गलत मैसेज आ रहे थे। तो जब उसने कुछ कार्रवाई करने के लिए सोचा, तब तक वो वाली आईडी डिलीट हो जाती थी, फिर दूसरी आईडी बना लेती थी। तो कम से कम उसने 5-6 आईडियाँ इस तरह की बनाई। फिर उसने साइबर सेल में जब रिपोर्ट की तो हमने अपराध क्रमांक 75-19 धारा 66C 66D का कायम किया और कल उसको अरेस्ट किया था। ये करने का कारण क्या था? इसमें रुपयों का लेन देन था। उसने फरियादी ऐसा कुछ पैसे मांगे थे जो उसने मना के दिए। बाद में उनकी हॉट टॉक भी हुई थी इस संबंध में। आपस में कुछ रिलेशन वगैरह? रिलेशन थोड़े बहुत थे, पहले से जान परिचित थे। फेसबुक पे अधिकांश परिचित लोगों का ही आपस में कनेक्शन होता है।